लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सान्या जीना, नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा ईओडब्ल्यू ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये घोटाले में पांचवी बड़ी गिरफ्तारी है। अरोड़ा बैंक की ऋण समिति के सदस्य थे। एक अधिकारी ने कहा, हम इस बैंक में ऋण जारी करने की प्रक्रिया का ब्यौरा जानने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव हर रोज की तरह कार्यालय में बैठे थे। उसी दौरान भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने जमकर उत्पात मचाया। महिलाओं ने नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव के ऊपर काली चूड़ियां फेंकी और साड़ी पहनाने की भी कोशिश कर डाली। महिला मोर्चा विरोध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ नगर पालिका निगम के कार्यालय पहुंची थी। महिला कमिश्नर के चैम्बर में दाखिल हुई और बात करते करते चूड़ियों का गुच्छा हाथ में पहना दिया। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 40वें दिन की सुनवाई पूरी कर ली है, जिसके बाद मध्यस्थता पैनल ने अपनी फाइनल रिपोर्ट 5 जजों के बेंच को जमा दी। खबर के अनुसार इस रिपोर्ट में समझौते को लेकर अहम बातों का जिक्र था। समझौते का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा रखा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव में सरकार के आगे 3 ऐसी शर्तें रखी गई जिससे देश के अन्य मुसलमानों को इस समझौते पर ऐतराज न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में एक बस दुर्घटना में 35 लोगों की मौत पर बृहस्पति को शोक जताया। पश्चिमी सऊदी अरब में बुधवार को एक बस और अन्य भारी वाहन की टक्कर में 35 लोग मारे गए और 4 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में एशियाई और अरब के नागरिक भी शामिल। फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत नॉर्थ कोटाबटो में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप से 5 लोगों की मौत हो गई है और 77 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बता दें कि हताहत लोगों में 7 साल की बच्ची शामिल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब राजनीति से रिटायरमेंट लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, मैंने और कांतिलाल भूरिया दोनों ने लंबे समय तक राजनीति की है और अब हम इस उम्र में पहुंच गए हैं जहां हमें संन्यास ले लेना चाहिए। नए नए लड़के आगे बढ़ेंगे। कांतिलाल भूरिया भी अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आतंकियों ने इस तरह की 3 वारदातों को अंजाम दिया। बुधवार को सोफिया में आतंकियों ने एक सेब व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलवामा में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले 14 अक्टूबर को सोफिया में राजस्थान के ट्रक ड्राइवर को 2 आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेनमार्क में हुए C40 जलवायु सम्मेलन में जाने की परमिशन नहीं देने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के किए गए काम के बारे में बात करने के लिए हाल ही में मुझे डेनमार्क बुलाया गया था। इन बीजेपी लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। उनके मंत्रियों में से एक ने कहा कि ये मेयर लेवल का सम्मेलन था। लखनऊ के मौलाना अली मियां हज हाउस का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा वाराणसी और गाजियाबाद के हज हाउस का नाम भी शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर होगा। इस बारे में हज कमेटी ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की इस रैंकिंग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस रैंकिंग से सरकार की नीति में भारी विफलता का पता चलता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग 2014 से लगातार गिर रही है। अब ये 2014 से 102/117 हो गई है। इस रैंकिंग से सरकार की नीतियों की भारी विफलता का पता चलता है और पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के खोखले दावों की पोल खोलता है। देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।